हेलो गाइस, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोग का देहरादून के न्यू ब्लॉग में। गाइस, आज मैं जा रहा हूँ भंडारी बाग, और भंडारी बाग में आप लोगों ने मेरी अपडेट ज़रूर देखी होगी। मैंने आप लोग को वहाँ की दो तीन अपडेट दी है। वहाँ पर एक ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है और आधे ज़्यादा उस पर काम पूरा हो चुका है। तो आज फिर मैं आप लोग को वहाँ की थोड़ी बहुत अपडेट देने जा रहा हूँ कि कितना काम वहाँ पर अभी बाकी है और कितना काम अभी उस ब्रिज में हो चुका है। सो गाइस, चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ मैं आप लोग को भंडारी ब्रिज की थोड़ी अपडेट। मैं पहुंच चुका हूं भंडारी ब्रिज के पास में और आज आप लोग को भंडारी ब्रिज की अपडेट दिखाई जाएगी। तो गाइस, चलता हूं और आप लोग को दिखाता हूं इसे भंडारी ब्रिज के फ्रंट कैमरे से देख सकते हैं। ये इधर से इंद्रेश हॉस्पिटल से और कारगी चौक से सीधा रास्ता आता है। इधर ये इधर से इंद्रेश हॉस्पिटल से और कारगी चौक से होते हुए आते हैं और सीधा इधर से ये शॉर्टकट निकल जाते हैं सहारनपुर चौक से, क्योंकि काफ़ी लंबा घूम कर आना पड़ता है लोगों को पटेल नगर से होते, तो यहाँ से शॉर्टकट निकल जाते हैं। तो आने वाले समय में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ से लोगों को घूमकर नहीं जाना पड़ेगा सहारनपुर चौक से, सीधा यहाँ से त्यागी रोड निकल जाएंगे और त्यागी रोड से सीधा सर्वे चौक। ये मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 50% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है इस ब्रिज पर और आने वाले समय में इसको पूरा कम्प्लीट कर दिया जाएगा। और जैसे कि बरसातें शुरू हो चुकी है तो बरसातों के दिनों में ये काम बहुत ही मुश्किल से किया जाता है, और जब इस ब्रिज पर काम पूरा हो जाएगा तो लोगों को सहारनपुर चौक से घूम के नहीं जाना पड़ेगा। ये सीधा इधर से त्यागी रोड निकलेगा और मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि कहाँ से ये निकलेगा। इधर मद्रासी कॉलोनी है, इसको मद्रासी कॉलोनी में निकाला जाएगा और वहीं से सीधा त्यागी रोड से होते हुए आप सर्वे चौक जा सकते हैं और आप लोगों को फिर सहारनपुर चौक से घूमते हुए नहीं जाना पड़ेगा। और इसमें आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा। ये देख सकते हैं, इधर काफ़ी हद तक इस पर काम पूरा कर दिया गया है, 50% काम पूरा कर दिया गया है और अभी 50% अभी इस पर काम बाकी है। और आगे चल के फिर मैं आप लोग को अपडेट दिखाता हूँ। ये साइड में इसमें डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये साइड में डिवाइडर बनाने की तैयारी की जा रही है यहाँ पर अभी। ये देख सकते हैं, इधर इस तरीके से इसमें डिवाइडर बनाए जाएंगे और काफ़ी मजबूत से इन डिवाइडर को बनाया जा रहा है। इस तरीके से इस ब्रिज को तैयार किया। इस ब्रिज का उद्घाटन जब बल्लूपुर और बल्ली वाला फ्लाईओवर बना था तब उद्घाटन किया गया था, बीच में इस काम को रोक दिया गया था क्योंकि इस ब्रिज को अंडरग्राउंड बनाने की तैयारी की जा रही थी और अंडरग्राउंड इस ब्रिज को नहीं बनाया गया। तो अब इसको सीधा जो रेल लाइन है उसके ऊपर से इसको निकाला जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके इसको तैयार कर दिया गया है आगे तक। और मद्रासी कॉलोनी की भी आप लोग को मैं अपडेट दिखाऊंगा कि वहाँ पर काम पूरा हुआ है न्यू एस में। ये देख सकते हैं, इधर ये यहाँ पर इस ब्रिज का काम रोक दिया गया है। ये देख सकते हैं इधर सामने, क्योंकि रेल लाइन पटड़ी पड़ती है तो अभी वहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल है, जिस बेस पे भी इसको रोक दिया गया है। सो गाइस, इस तरीके से इसको सीधा निकाला जाएगा ब्रिज को। ये देख सकते हैं सामने भी एक बीम बनाकर तैयार कर दिया है और ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन के पटड़ी है, इधर इधर देहरादून का रेलवे स्टेशन पड़ता है, ये सामने रेल का जो इंजन खड़ा हुआ है। इधर मद्रासी कॉलोनी पड़ती है, वहाँ की भी अपडेट मैं आप लोग को दिखाता हूँ चल के। सो गाइस, इस तरीके से इस ब्रिज को पास किया जाएगा यहाँ से। ये देख सकते हैं, इधर ये देहरादून का रेलवे स्टेशन है और ये पटड़ियाँ हैं। पहले जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि पहले इस ब्रिज को अंडरग्राउंड करने की योजना की गई थी और किसी कारण नहीं हो पाई है। और इधर ये मद्रासी कॉलोनी पड़ती है, इस मद्रासी कॉलोनी में इस ब्रिज को निकाला जाएगा जो इधर से सीधा त्यागी रोड के लिए रास्ता जाता है और सीधा सर्वे चौक भी निकल जाते हैं यहीं से। तो आप लोग को इतना लंबा घूम के जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि अब के समय में आप लोग सीधा सहारनपुर चौक से घूमते हो फिर सर्वे चौक आते हो। तो जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा फिर आप लोग को इतना लंबा घूमने की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट आप सर्वे चौक और त्यागी रोड निकल जाओगे यहीं से।
ये देख सकते हैं। मैं आप लोग को अपडेट दिखाता हूँ इस मद्रासी कॉलोनी में कि कितना काम हो चुका है। यहाँ पर से निकाला जाएगा भंडारी ब्रिज, ये मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। और ये पूरी मद्रासी कॉलोनी पड़ती है, ये देख सकते हैं इधर सामने भंडारी ब्रिज को निकाला जाएगा। और इधर ये त्यागी रोड पड़ता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ से आप सीधा इसी ब्रिज से सर्वे चौक निकल जाओगे यहीं से, और अब आप लोग को घूम के नहीं आना पड़ेगा जैसे कि सहारनपुर चौक से घूम कर आना पड़ता था। तो अब आप सीधा यहीं से निकल कर और सीधा त्यागी रोड से और सर्वे चौक निकल सकते हैं आप लोग यहाँ से। और इस क्षेत्र में अभी कुछ काम नहीं किया गया, यहाँ पर अभी काम बाकी है। सो गाइस, आप लोग को मेरी अपडेट कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोग को देहरादून की नई से नई अपडेट हमेशा लेकर आता रहूँ।